नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये देख रहे हैं, ये गुल मेहंदी का, सॉरी गुल दुपहरी का पौधा है। दोस्तों, ये पौधा हम नहीं जानते कि ये स्थानीय है या सब जगह मिलता है, लेकिन इस पौधे की ना तो आज तक मैंने कोई वीडियो देखी और ना मैं ज़्यादा देखती हूँ, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये पौधा बहुतायत में पाया जाता है, बहुत लोगों के घर के सामने लगा होता है जो गार्डनिंग के शौकीन होते हैं वो। लेकिन ये पौधा मेरे यहाँ बहुत दिन से है, मेरे यहाँ ये बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। ये फूल का पौधा, ये जो है अपने आप इसके बीज गिरते रहते हैं और हर साल मेरे पास 4-6-10 पौधे इसके रहते हैं और इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। जिस तरह से गुल मेहंदी में, बालसम में पत्तियों के बीच में फूल, इसी तरह इसकी हर पत्ती के पास छोटे छोटे रेड कलर के फूल लगे होते हैं। और इनका खास समय, इनका नाम गुल दोपहरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये दोपहर में बहुत अच्छे फूल खिलते हैं और इनका फूल आपको फरवरी से लेके जून तक दिखता रहेगा। और जैसे ही जो मेच्योर इसके जो फूल से फल बन जाते हैं और इनमें जो बीज होता है वो गिरता है, तो जब पहला पानी बरसता है, पानी जैसे ही मिलता है अपने आप जम आते हैं। इनकी सीडलिंग मैंने कभी नहीं करी, लेकिन इसका पौधा मेरे पास हमेशा रहता है। दोस्तों, आज मैं वहाँ मेरे प्लाट में बहुत पौधे इसके हैं, कितना तो मैंने उखाड़ कर फेंका, और आज मैं एक ले आई कि मैं इसको अपने टेरेस पर लगाऊंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, इसका इतना बढ़िया मैं मिट्टी सहित उखाड़ के लाई हूँ। और ये एक पैकेट है जिसमें मेरा पहले पौधा लगा हुआ था। आजकल मैं जितने भी पौधे लगा रही हूँ, अपने पुराने जितने भी मेरे पैकेट थे उनका मैं इस्तेमाल, मेरे पॉट पैकेट जो भी थे उनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पुरानी मिट्टी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है पौधों के लिए। आप ये न सोचिए कि ये उसमें जो हम लोग नीचे पत्तियाँ वगैरह डालते हैं वो डीकम्पोज होके और इतनी बढ़िया मिट्टी को बना देते हैं कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जैसे हम लोग घर में अचार बनाते हैं तो अचार जितना ही पुराना होता जाता है, उसकी गुणवत्ता, उसके स्वाद में बढ़ोतरी होती रहती है। उसी तरह से गमले की मिट्टी, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा डालते रहते हैं तो उसकी पौष्टिकता बढ़ती रहती है। ये देखिए, मैंने जो है इस पैकेट में इसको लगा दिया, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसकी पत्तियाँ देखिए वेरिकेटेड होती हैं, कितनी सुंदर लगती हैं, लंबी लंबी पत्तियाँ, इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती हैं। ये देखिए, और बहुत ही इजी ग्रो ये फूल का पौधा होता है। अब आप इसकी कोई केयर नहीं, पानी दे दिया कभी, खाद वगैरह तो मैंने वहाँ प्लाट में कभी डाला नहीं, लेकिन अब कि मैं यहाँ लगा रही हूँ, देखती हूँ कि इसकी क्या प्रोग्रेस रहती है, ये मुझे क्या परिणाम देता है। लेकिन इसके फूल जो है बहुत ही सुंदर, दोपहर में जाइए तो लाल लाल रंग के फूल इतने सुंदर लगते हैं कि देख के मन खुश हो जाता है। और मैं आपको जो है, और ये मैं आज आप गुलदाउदी की कुछ कटिंग लाई हूँ और इनको भी मैं लगाऊंगी। कुछ कटिंग मैंने कल मेरी गोल्ड की और गुलदाउदी येलो कलर की, लेकिन ये वाइट कलर वाली है, वहाँ पर बहुत है मेरे प्लाट में, तो मैं इसकी भी कटिंग थोड़ी ले आई कि यहाँ पे लाके मैं इसकी कटिंग लगाऊं, जिससे कि मुझे जल्दी फूल मिलने लगे।
धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते, हैप्पी गार्डनिंग। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।